अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। सो यस गाइज, मैं इतने दिनों बाद कहाँ चली जाती हूँ, कभी गायब हो जाती हूँ, कभी रेगुलर आती हूँ, कभी गैप करके वीडियो बनाती हूँ। तो सीन कुछ ऐसा है कि मुझे भी चिकनगुनिया हो गया है, मतलब था, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बेहतरी आ गई है। मतलब मुझे तो बस एक ट्रेलर दिखा के चला गया वो, कि मैं 3 दिन तक बस बेहोश ही रही, सर्दी वाला बुखार, मुंह में छाले भी हो गए। कमेंट में बताएं मुझे आप लोग के छाले बोलते हैं या दाने बोलते हैं, हमारे घर में उसे छाले कहा जाता है जो मुंह में निकल जाते हैं। और जो है घुटने सूज गए, हाथ सूज गए, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, इस तरह से कंडीशन चल रही है। तकरीबन पूरा कराची जो है वो चिकनगुनिया की लपेट में है। जी हाँ, तो मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी कुछ बेहतर हुई है, तो मैं खड़ी हुई हूँ और फिर मैं फ्रेश हुई और जो है वो मैंने घर की साफ़ सफाई की। और किचन का सीन कुछ ऐसा है, किचन में बन रहा है ये चावल बॉयल, सॉरी ये आलू बॉयल हो रहे हैं और ये आई थिंक चावल ही बन रहे होंगे। और ये बर्तन 4 कप हैं, बाकी ये सब धुले हुए बर्तन हैं। सारा बर्डन जो है वो अम्मी के ऊपर पड़ गया है काम का। पहले दिन तो जब मुझे बुखार हुआ तो अब्दुल बारी और उनकी अम्मा रुकने के लिए आ गए हुए थे, तो बेचारियों ने सारा काम किया। फिर रूमी आ गई हफ्ते वाले दिन, रूमी अभीषा हनी, तो वो लोग कल गई हैं, जाहिर है आज स्कूल जाना था, तो उन लोगों ने ही सारा काम किया। उन लोग बच्चियों ने जो जो काम किया है ना, मैं वो वीडियो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और चलते हैं हम अंदर, अंदर करते हैं सलाम अपने अम्मी अब्बू को बहुत दिनों बाद। तो अब हम करेंगे पहले अपने अब्बू को सलाम। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। अम्मी क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। आपको तो अल्लाह ना करे चिकनगुनिया नहीं हुआ? नहीं भाई, अभी तो अल्लाह का करम है, आगे तो कह नहीं सकते। हाँ भाई, बहुत तकलीफ होती है चिकनगुनिया में, मोहताज हो जाते हैं, मोहताज दूसरों के, कि कोई पकड़े तो उठ के करवट दिलाए, तो बिठाए, तो ये करे, तो वो करे, और खाने का सीन पता नहीं क्या है। हम मिलेंगे थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम हनी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं आप? बर्तन क्यों धो रही हैं? क्योंकि आना की है तबीयत खराब और नानी अम्मी धो रही हैं ऊपर कपड़े, आना धो रहे हैं चिकनगुनिया गाइस। अच्छा, तो लोग बोलेंगे आना को चिकनगुनिया हुआ हुआ है और वो वीडियो बना रही हैं। तो गाइस, वीडियो तो आप लोग की वजह से बना रही ना, आप लोग उनको सपोर्ट करना चाहते थे, आप लोग उनको सपोर्ट करें तो आगे बढ़ेंगी, आप लोग ही एक काम कर सकते हैं, इसलिए बना रही है ना। अच्छा, आप बर्तन धोएं। अच्छा, घर पे भी धोती हैं आप बर्तन? नहीं, जब मम्मा की तबीयत खराब होती है तो धोती हूँ। स्टैंड पे हाथ नहीं जा रहा तो ये यहाँ रख रही हैं आप? जी, बाद में रख। अच्छा, चलें फिर बाद में मिलते हैं आपसे। ओके। और ये पिस रही है चटनी। हेलो हेलो। और ये पीसी जा रही है चटनी। नानी अम्मी का घर का काम, आना के बदले का काम। नानी अम्मी के घर का काम, आना के बदले का काम हो रहा है यहाँ पे, अपड़ सपड़। मगर हम अपने भांजियों के सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और ये जूड़े बने हुए ऊंचे ऊंचे, अम्माएं बनी हुई हैं, क्या नहाओगी? किस में जाएंगे? खाने में बनाए हैं आलू का भुर्ता, टाणा, ये देखिए मज़ेदार सा। और यहाँ मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी रोटियाँ। और जो है ये रोटी मैंने यहीं रख दी। The next day. So welcome back guys. तो हो गई है दूसरे दिन की शाम, मतलब next day लग गया है। कल वाला vlog continue कर रही हूँ मैं। और कल जो है रात में खाने में भरता बना था और आज मेरी सुबह जो है वो बहुत मुश्किलों से हुई है। मतलब कि जब अम्मी ने मुझे उठाया है तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मेरे पाँव ना बिल्कुल अकड़ गए थे, ऐसे हो गए थे जैसे बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। बहुत देर में उसमें हरकत आई है
तो फिर मैं उठी, मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया। फिर अम्मी कह रही है ये खा लो वो खा लो, मैं मतलब फ्रेश होके लेट गई मगर मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर अम्मी कह रही कुछ तो खाओ, तो मैंने 2-3 निवाले जो है वो रात के भरते से ही खाना खाया। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों के यहाँ आलू का भुरता कहा जाता है या भरता, हमारे घर में भरता बोलते हैं। तो वो खाया, बस वही खाया हुआ है। और जब से मैं लेटी हुई हूँ किसी काम को भी हाथ नहीं लगाया, अम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। और आज मुझे एक और चीज़ आपके साथ रिवील करनी थी कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नई स्टार्टिंग की थी, मगर वो भी जू की तू ही हैं क्योंकि चिकनगुनिया ने लपेट में लिया हुआ है अपने। और गाइस सीन कुछ ऐसा है घर में पकने रिंगने का कि जो है वो अम्मी मुश्किल से पका रही है, मतलब खाना पकाती मगर खाया नहीं जा रहा, मुझसे तो कुछ भी नहीं खाया जा रहा। मेरा मुँह का जायका इतना ख़राब है कि मुझे पानी पीना इतना कड़वा लग रहा है कि पूछिए मत। खाने की जो खाने की जो खुशबू होती है ना, जिससे उससे इतना दिल मतली हो रहा है, बहुत ही मुंह में छाले निकले हुए और बहुत अजीब सा सी तबीयत हो रही है मेरी। और जो है वो भाई का तो एक्सीडेंट ही हुआ हुआ है आपको पता है, तो वो भी परहेज़ी खा रहा है और जो है वो अम्मी आज पता नहीं क्या पकाएंगी। और घर में अंधेरा हो रहा है, अभी लाइट गई हुई है, हम मिलेंगे थोड़ी देर में। Many tic-tacs later. So welcome back guys, हो गई शाम और गिर गए दाम। और किचन का सीन कुछ ऐसा है कि हमने सुबह से उठ के जो है ना, वो मैंने जो खाना खाया था ना, खाने में क्या था, सिर्फ रोटी का चौथाई पीस जो होता है ना, 4 पीस वो मैंने लिया था खाना खाने के लिए और नाश्ते के लिए, दोनों ब्रंच ही किया था मैंने। अब मुझे इंतहा से ज़्यादा भूख लग रही है मगर खाना कुछ भी नहीं खाया जाएगा मुझसे। तो बेचारी अम्मी मेरे लिए क्या बना रही है, दलिया। ये वो दलिया होता है ना, फौजी दलिया। अम्मी कौन सा दलिया कहते हैं? फौजी, ये जौ का फौजी दलिया। और सारा बर्डन जो है बेचारी अम्मी के ऊपर पड़ गया है। अम्मी बर्तन धोना वोना कर रही हैं। और अम्मी खाने में क्या बना रही हैं आप रात के? माश की वाइट वाली मेरी फेवरेट दाल, मुझे बहुत पसंद है ये दाल, मैं आपको बयान नहीं कर सकती मुझे कितनी पसंद है ये दाल। इसके ऊपर बघार लगता है, प्याज का साबुत मिर्च का इसके ऊपर बघार लगता है, मगर मुझसे खाने पीने की चीज़ नहीं, मुझसे खाया नहीं जा रहा। और ख़ास तौर पे किसी बघार की या ऑयल की, जैसे घी की, इस तरह से ये चीज़ें तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही और ना मैंने खाई है अभी तक। तो ये दाल बना रही हूँ और चिकन का सालन अम्मी ने थोड़ा सा बनाया है, रोटी बनेगी। तो बिचारियों के ऊपर सारा बर्डन अम्मी के ऊपर है, सारा काम कर रही है। देखें कैसा माशाल्लाह किचन जो है वो चकाचक चमक रहा है, सब साफ़ कर दिया। आटा भी बिचारी अभी वही गूँधेंगी, रोटी भी कहेंगी वही मैं बना लूँ। तो क्या कहते हैं, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी देर खड़ी रहूं, मगर ये कि पका लूँगी ऐसा भी नहीं है, मगर ये कि जल्दी थक रही हूँ मैं ना, बहुत ज़्यादा थकन हो रही है। तो गाइज आज जो है वो अम्मी बाज़ार भी गई थी, बाज़ार से ये सब सारा सामान लेकर आई हैं, यही जो ख़त्म हो जाता है, धनिया टमाटर प्याज व्याज ये सारा सामान लेकर आई हैं। अब ये लेकर लेने भी खुद जाती हैं, फिर उसको चुनना बिनना उसको सेटिंग से रखना, ये सारे काम अम्मी ही करती हैं, हम तो बस सरसरी से काम करते हैं। तो वो बर्डन भी अम्मी के ऊपर है। खैर अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली और काम वाली हैं अम्मी। और जो है वो मुझसे भाई इस चिकनगुनिया में तो काम शाम नहीं हो रहा और जो खाया भी नहीं जा रहा, सच बात है बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। सुबह से बस मैंने वही खाया हुआ है, अब ये मेरा दलिया रेडी हो तो मैं वो खाऊं, तो उस फिर छुट्टी रात तक की। फिर ये कि भूख तो लगेगी मुझे लेकिन मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि हर खाने की चीज़ से मेरा दिल बड़ा मतला रहा है, बहुत मतला रहा है मेरा जीना, तो इसलिए मैं हर चीज़ भी नहीं खा रही। A few moments later. तो गाइस ये देखिए ये मेरा दलिया रेडी हो गया है बंद करके, अब मैं इसको खाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अज़म करे। चीनी डालते हैं वैसे तो इसमें और क्या कहते हैं, मगर मैंने अभी से चीनी नहीं डलवाई क्योंकि मुझसे नहीं खाई जाएगी, मतलब मीठा भी नहीं खाया जा रहा मुझसे।
इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में इस दुआ के साथ कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, वीडियोस को फुल वॉच करेंगे एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकॉन, टुन टुन बजाते हैं, आपने लाजमी जाना है और दुआ करना है उन लोगों के लिए जिन लोगों को चिकन गोनिया हुआ हुआ है, अल्लाह पाक जल्दी से सही कर दे और मुझे भी सही कर दे और मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।